अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग वीकेंड व्लॉग है। इसमें मॉर्निंग में मैंने आलू के पराठे बनाए थे। वीकेंड में नॉर्मली यही नाश्ता होता है हमारा, कोई पराठे वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि आम दिनों में तो सीरियल या ओट्स या फिर ब्रेड वगैरह का नाश्ता बच्चे करते हैं, तो वीकेंड पर थोड़ा हैवी हो जाता है। वो ये आलू के पराठे मैंने बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। इसके इंग्रेडिएंट सिंपल से ही हैं, जस्ट इसमें अनारदाना और थोड़ा सा प्याज भी शामिल किया था, धनिया, उबले हुए आलू, ज़ीरा, नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा लेमन जूस। तो ये बड़े टेस्टी बने थे। इसे हमने दही के साथ और चाय के साथ खाया था। इसके बाद आज का दिन थोड़ा बिजी डे था, तो हस्बैंड वर्क पे थे, तो वापसी पे उन्होंने हमें लेना था, इसलिए हमने बस से जाने को प्रेफर किया। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपको यहाँ की टोरंटो की जो ये लोकल बस है इसके मतलब भी इंफॉर्मेशन दूँ। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है इनका, कि ये तकरीबन आलमोस्ट दिन में से 24 आवर्स में से नियर अबाउट 20 आवर्स तक ये चलती रहती हैं, यानी दिन रात। तो हर 10 मिनट के बाद आप मुख्तलिफ रूट्स बने होते हैं आपके घर के नज़दीक, जहाँ वेटिंग प्लेस भी बना होता है। तो ये है कि वहाँ आप वेट करें, हर 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद बस आती है। तो जैसे पाकिस्तान में भी नंबर्स होते हैं, उसी तरह इनके भी नंबर हैं। हर एक को पता है हमने जहाँ जाना है, वहाँ कौन से नंबर की बस जाएगी, और जिस रूट पे आप जा रहे हैं, यानी अगर आपका जाने का रूट है तो उसमें आपको टिकट लेना होगा, जो तकरीबन $3.5 का होता है, और बच्चों के लिए फ्री है, यानी नियर अबाउट शायद 18th की एज तक फ्री है बस की ट्रांसपोर्टेशन। और इसी तरह सीनियर सिटीज़न के लिए भी बीच में कंसेशन है, लेकिन बच्चों की तो, छोटे बच्चों की तो बिल्कुल फ्री है। कुछ लोगों ने इसके कार्ड्स भी लिए होते हैं। सर जब भी स्टॉप आता है लोग अपनी मर्ज़ी से आके, तो अगर उनके पास बस का कार्ड बना हुआ है तो दिखा के तो बैठ जाते हैं। नीट एंड क्लीन, और कोई इतनी ऊंची बसें नहीं होती, हीटिंग और सी का सिस्टम होता है, यानी बेहतरीन तरीके से हर एक स्टॉप पे बकायदा बस में ये ऊपर ये जैसे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो वो आवाज़ के साथ बकायदा अनाउंसमेंट होती है कि अगर नेक्स्ट स्टॉप ही है। तो अगर किसी ने उतरना है तो हर एक सीट के साथ एक स्टॉप की बेल है, उसे वो बज़र को बजा देता है, तो ड्राइवर को पता चल जाता है। लेकिन नॉर्मली भी उसने हर एक स्टॉप पर स्टे करना ही होता है। तो टू डोर्स होते हैं, एक फ्रंट पे आने वालों के लिए और एक बैक पे जाने वालों के लिए। तो जिनके पास कार्ड्स हैं या जो भी, जैसे ये कुछ सीनियर लेडी हैं, इन्होंने अपना कार्ड दिखाया, तो ये है कि तकरीबन मेरा आके तो 1 ईयर का होता है बना हुआ। तो इसमें सहूलत ये होती है कि बार बार आपको किराया नहीं देना पड़ता, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि एक टिकट जो है वो पूरा सीधा जिस रूट पे आप जा रहे हैं उसमें आप पूरा दिन इस एक टिकट के साथ एक साइड पे ट्रैवल कर सकते हो, यानी मुख्तलिफ स्टॉप। लेकिन अगर आपने वापस आना है तो फिर आपको वापसी का नया टिकट लेना होगा, और वो भी आपका 24 आवर्स के लिए चलता है। अब हम पहुंच चुके थे, तो यहाँ हमारी आज थी एक बेटी की थोड़ी सी सब फ्लू था उसे, तो मैंने कहा कि पास ही एक लेनी के मॉल में, यहाँ से हमने ग्रोसरी वगैरह भी लेनी थी। तो हस्बैंड ने ये कहा था कि आप लोग चेक करवा लो, तो मैं वापसी पे आप लोगों को ले लेता हूँ। तो अब
यहाँ सारा ऑलमोस्ट सिस्टम कंप्यूटराइज ही है। जो कनाडा में मेडिकल कार्ड हर एक का बना होता है, यानी अगर आप पीआर पे आए हैं तो नियर अबाउट 3 मंथ्स के बाद आपको ये इशू हो जाता है, तो इससे हमारा मेडिकल चेक हो जाता है फ्री। इसमें आपके ब्लड टेस्ट और दूसरे एक्सरेज, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारा कुछ कवर होता है, ये फ्री है यहाँ। और यहाँ पेशेंट को चेक करने का तरीका भी बहुत अच्छा है कि जिस भी क्लिनिक में आप चले जाएंगे सेपरेट रूम बने होंगे, बारी बारी वो एक एक पेशेंट को भेजेंगे, यानी एक वक्त में 2-3 रूम्स खाली होते हैं, छोटे छोटे से कैबिन टाइप बने हुए, तो उसमें कम बेड होता है एक छोटा सा वैसे बना हुआ डॉक्टर के बैठने की और कंप्यूटर वगैरह। तो ये है कि एक वक्त में सिर्फ डॉक्टर उस रूम में वो पेशेंट ही होगा और डॉक्टर होगा या उसका कोई करीबी फैमिली मेम्बर जो साथ जाना चाहता है, यानी इतनी प्राइवेसी है कि कोई दूसरा ना सुने कि आपका प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो बड़े अच्छे तरीके से इस तरह चेकअप किया जाता है। ये मैंने रूम की भी थोड़ी सी बनाई थी, ये क्योंकि बच्चों का है तो मोस्टली ये बच्चों को यहाँ एंटीबायोटिक अब इन्होंने देनी बिल्कुल बंद की हुई है, तो नॉर्मली यही ड्रिंक्स वगैरह रेस्ट और खाने पीने से ही कहते हैं कि बॉडी को वर्क करने दें, क्योंकि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए मेडिसिन अच्छी नहीं होती, इसलिए ये ज़्यादा मेडिसिन को अप्रिशिएट नहीं करते, दें भी तो बहुत कम। नेचुरल जो तरीके हैं उनको यूज़ करने का बताया जाता है। इसके बाद फारिग होके तो हम घर आए, तो फिर मैंने टाइम बहुत थोड़ा बचा था, कुछ ग्रोसरी वगैरह ली, चीज़ें संभाली, तो मैंने एक कुक मेरी बिरयानी है जो मैं अक्सर जब चलती मैं हूँ तो मैं इस तरह बना लेती हूँ। इसके लिए कुछ चीज़ें ये चाहिए जो मैंने बताई, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, मटन लिया था मैंने, और दही है, टमाटर है, लेमन है, हरी मिर्चें, ये फ्राई और प्याज है फ्राइड, और सिंधी बिरयानी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है इमरजेंसी में जल्दी बनाना था, और ये क्योर राइस है, ये मैं योगर्ट के साथ ये सिंधी बिरयानी मसाला मटन को लगा के इसमें थोड़ा सा क्योर एसेंस 2 ड्रॉप्स डाल के तो इसे रख दूँगी और चावल भिगो दूँगी, यानी जितना टाइम चावल भीगने में लगेगा तकरीबन आधा घंटा तो उतना देर ये गोश्त, जो भी गोश्त होगा चिकन या मटन या भी, उसको मैरिनेशन में लग जाएगा। इस तरह यकीन करें बड़े ज़बरदस्त बिरयानी बनती है और गोश्त के अंदर तक उसका फ्लेवर रच गया होता है मसाले का। अगर आप रात को लगा के इस तरह रखते हैं और सुबह बिरयानी बनाए तो और अच्छी बनती है, अगर कोई पार्टी वगैरह हो। इसमें लेमन जूस भी डाला था, ये भी मैंने फ्राइड प्याज किए हैं थोड़े से, और एक प्याली ऑयल में उसमें फिर ये मैंने मैरिनेशन वाला जो मटन था ये डाल दिया है। स्पाइसेस ज़ाहिर है अगर हम फिर खुद बनाना शुरू करें तो वो भी वही होंगे, और यहाँ यकीन करें पाकिस्तान के ये जो स्पाइसेस हैं, इंडियन भी, बंगाली भी, हर एक यूज़ करता है, गोरे भी, क्योंकि ये इतनी अच्छी हमारी स्पाइसेस की क्वालिटी है। इसके साथ ये राइस मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, ज़ीरा और करी पत्ता वगैरह डाल के। इसके बाद ये मसाला भुन गया है, गोश्त को गला लिया था 1/2 कप पानी डाल के, तो क्योंकि ये मटन था तो इसको कुकर में लगा लिए थे 7-8 मिनट, तभी ये सही गलता है। इसके बाद इन्हें दम दे दिया था, चावल जो है ये 70% होने चाहिए, तो 10-15 मिनट यह एकदम के बाद बेहतरीन सी बिरयानी तैयार हो जाती है। इस तरीके से बना के आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। ये थोड़ी क्विक बिरयानी मैं इसे कहती हूँ, नॉर्मली जो बिरयानी मैं बनाती हूँ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसके साथ हम ये दही फुलकियों वाला रायता बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है, और मटन की तो यही है कि बस गला अच्छा होना चाहिए, तो ये बहुत टेस्टी बनी थी इसलिए मैंने ये शेयर की। इंशाल्लाह जो नॉर्मल मैं बिरयानी बनाती हूँ उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी, दम बिरयानी वगैरह जो होती है।
लेकिन ये क्विक बिरयानी भी अगर इस तरह आप मैरिनेशन से बनाएं तो बहुत टेस्टी बनती है। और मसालों का तो ये है कि इसका इतना अच्छा तनासब होता है, ये सिंधी बिरयानी वाला मैंने मसाला यूज़ किया था तो तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पैकेट लगा था, क्योंकि मटन जितना था फिर उस हिसाब से क्वांटिटी फिर डाली थी। तो बहुत टेस्टी बनती है, आप भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं बने बनाए मसाले, अगर इन्होंने ये बनाया हुआ है तो ऐसे ही नहीं ये पूरी दुनिया में आ रहे, इनके अंदर कोई खूबी है तो लोग इन्हें ले रहे हैं। तो अगर वैसे भी बनाना हो बिरयानी मसाला तो हम बना लेंगे सारा कुछ पीस के, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो बेहतरीन अल्टरनेटिव है। इसके साथ ये गिफ्ट आया था हमारे ये पाकिस्तान से, मेरे प्यारे पाकिस्तान की सौगात, ये एक शाद के साथ जगह है, वहाँ की मशहूर बर्फ़ी है, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इससे इसके साथ आप सब साथियों से इजाज़त चाहूँगी, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।